सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपकी खुशी आपकी आजादी पर निर्भर होती है और आपकी आजादी आप कितने साहसी हैं इस पर निर्भर करती है। हमेशा दूसरों की सफलता पर ध्यान देने से बेहतर है अपनी सफलता पर ध्यान देकर उनसे भी बेहतर बन जाना। आपकी नाकामयाबी आपको अपनी गलती सुधारने और वापस दुगनी ताकत से सफलता हासिल करने को प्रेरित करती है। आज का पंचांग 9 जुलाई 2023 दिन रविवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र शाम 7:29 तक रहेगी। इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:28 से 7:09 तक रहेगी। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:51 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 9 जुलाई 2023 दिन रविवार, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली और प्रभावी है जो आज आपके हितेशियों तथा विरोधियों सहित सबके सामने आएगा। अपने शुभ चिंतकों की बातों पर ध्यान दे और बाकी सब बातों की उपेक्षा कर दें। आपके बड़े आपका साथ देंगे और जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर ध्यान फोकस करने में आपकी मदद करेंगे। यह आपके लिए बेहतरीन क्षण है क्योंकि आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है। पदोन्नति के भी योग है, अपनी उत्तेजना और खुशी को अपने प्रियजनों से शेयर करें। कोई इनाम या धनराशि उन बदलावों में आपकी मदद करेंगे जिनका सपना आपने देखा है। अपनी नई सफलता का मजा लें। आप अपनी प्राथमिकताओं और जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान दें। नए कार्यों को शुरू करने के लिए यह समय शुभ नहीं है। जल्दबाजी में कोई काम न करें, निराशा और चिंता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए निश्चिंत रहें। हमेशा अपने गुणों के बारे में सोचें, यह आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगे। दिन की शुरुआत आप योग ध्यान से कर सकते हैं, ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा और सारे दिन आप में ऊर्जा रहेगी। दिन भर भले ही आप धन को लेकर जूझते रहें, लेकिन शाम के वक्त आपको धन लाभ हो सकता है। आपके जीवन साथी की सेहत तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपके सहकर्मी आपको अधिक समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों की संगति करना आपके लिए ठीक नहीं है तो उनके साथ रहकर आपका समय बर्बाद होगा, तो उनका साथ आपको छोड़ देना चाहिए। वैवाहिक जीवन के मोर्चे पर यह दिन वाकई बहुत बढ़िया है। आज व्यवस्थापूर्ण दिनचर्या रहेगी, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा भी लेंगे। घर में खास मेहमानों के आने से खुशी भरा माहौल रहेगा। अगर किसी उद्देश्य यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो वह उत्तम रहेगा। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अपने लक्ष्य का ध्यान रखें, विचारों में बदलाव करने की कोशिश करें, निराशा बढ़ सकती है। अपने नकारात्मक विचारों का प्रभाव किसी काम पर ना हो ये ध्यान रखें। लोग आपके स्वभाव का गलत फायदा उठा सकते हैं। जो प्रयत्न आप कर रहे हैं उनकी गति बढ़ाएं, तभी सफलता मिल सकती है। रिलेशनशिप से जुड़ी चिंताएं दूर हो सकती है। शरीर की गर्मी बढ़ने से तकलीफ भी हो सकती है, पूरा ख्याल रखें। आज परिवार और दोस्तों के साथ दिन व्यतीत होगा। संपर्कों में लाभ होगा। घर के रखरखाव की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। योजनाएं बहुत अच्छी साबित होगी। अत्यधिक परिश्रम और थकान से चिड़चिड़ापन हो सकता है, गुस्सा बढ़ सकता है, गलत काम से खर्चे बढ़ सकते हैं। जितना हो सके उधार लेने से बचें। व्यापार के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। घर में खुशी और नकारात्मक माहौल भी रहेगा। सावधानियां, किसी पर भी भरोसा करने से पहले उचित सोच विचार अवश्य कर लें। व्यक्तिगत कार्यों के साथ साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। कुछ लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए अफवाहें फैलाएंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की।
जीवन साथी तथा परिवार जनों के सहयोग से घर में सुखद व्यवस्था रहेगी तथा आपको भी सहायता मिलेगी। वैद्य के प्रेम संबंधों से दूर रहें। आपकी लव लाइफ में रोचक समय चल रहा है। जिन्होंने अभी किसी के साथ अपनी संबंध की शुरुआत की है, उन्हें इसे मजबूत बनाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। आप दोनों प्यार और प्रतिभा दोनों को ही एक साथ बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोच खुली रखें, लेकिन अभी कोई योजना निश्चित ना करें। केवल समय के साथ चलते जाएं। आप अपनी योग्यताओं के बारे में अच्छे से जानते हैं और आपके बॉस वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम को पहचान रहे हैं। प्रेम जीवन और रोमांस में ये समस्याएं आपके संबंध को कमजोर नहीं कर पाएगी, बल्कि इससे आप दोनों और भी नजदीक आएंगी। जीवन के अच्छे पहलुओं पर नजर डालें और उसके बाद अपने भविष्य की तैयारी शुरू करें। अपने पार्टनर के साथ कुछ फुर्सत के पल बिताएं, दोनों साथ में कोई फिल्म देखें, लॉन्ग ड्राइव पर जाएं या कॉफी पिए। इस समय अपने साथी को रिझाने के लिए वो सब कुछ करे जो आपके रिश्ते में नई जान डाल दे। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आशा से भरपूर है, जो आपके लिए प्रसिद्धि, मान्यता और बेहतरीन रैंक जैसे परिणाम लेकर आया है। अपने पैसे और काम से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अपने कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। अपनी प्रबंधकीय क्षमता से आप कार्यस्थल में एक प्रतिष्ठित स्थान पा सकते हैं। अपनी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का यह सही समय है, लेकिन आज किसी काम की शुरुआत से बचें। आप अपने कौशल और गुणों को अच्छे से जानते हैं। सोच विचार के बिना तुरंत कार्यवाही करने से नतीजे सकारात्मक नहीं होते। आत्मनिरीक्षण के लिए कुछ समय निकालें ताकि अपने व्यवहार या आदतों को सुधारा जा सके। कुछ दिनों से आपके कार्य क्षेत्र में चीजें आपके अनुसार नहीं चल रही थी, परंतु अब कुछ सुधार आने की उम्मीद है। आपको ये याद रखना होगा कि कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखने से आप शांति से काम में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी नरमी दिखाएं तो कार्य क्षेत्र के मित्रों के साथ आप शांत माहौल का मजा ले सकती हैं। बिजनेस के कामों के लिए आज भरपूर समय निकालना मुश्किल होगा। हालांकि दोपहर बाद सारे काम अपने आप बनते शुरू हो जाएंगे। रियल इस्टेट से जुड़े लोगों की आज फायदेमंद डील हो सकती है। ऑफिस में पेपर वर्क करते समय बहुत सावधानी रखें। बात करती हैं सेहत की। व्यस्तता के चलते अपने स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का समझौता ना करें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखना भी जरूरी है। आपके नया नस का आकर्षक है और आपको बस खुद को थोड़ा सा संवारने की जरूरत है। शरीर की मसाज कराएं जिससे त्वचा में चमक आएगी। हेयर कट करवा सकते हैं या नाखूनों के साथ कोई नया प्रयोग कर सकती हैं। यहाँ तक कि फूलों से भरे हुए टब में कुछ देर लेटने से भी आराम मिलेगा। खुद के लिए स्वास्थ्य कर मजे लेने में न हिचकिचाएं। आपको इसकी जरूरत भी है और आपको इसका पूरा हक है। आज का उपाय। घर के सभी सदस्यों के माथे पर आज चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।